नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बीच कोचिंग के महागुरु भीष्म पितामह, या यूँ कहें इस कोचिंग को पूरे देश और विदेश में एक नया स्वरूप देना, नई पहचान देना और इसका महत्व लोगों तक पहुंचाना, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे श्री वी के बंसल सर। उनका निधन हो गया है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम सब लोग बहुत ही आहत हैं, दुखी हैं कि इस संघर्षशील व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का निधन इस महामारी के कारण हुआ है। आप सभी को आज मैं उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहूँगा और अपना अनुभव जो उनके साथ रहा वो भी इस वीडियो के माध्यम से श्रेय करूँगा और इसी स्वरूप में मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज सुबह 3:30 पर कोटा के ही एक अस्पताल मैत्री हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। वो पिछले 17 दिन से कोविड से लड़ रहे थे। जैसा कि मेरी समीर सर यानी उनके पुत्र से बात हुई तो उससे पता चला कि वीके बंसल सर को 17 दिन पहले कोविड हो गया था और वो कोटा के एक हॉस्पिटल मैत्री हॉस्पिटल में भर्ती थे। पिछले 17 दिन से वो लड़ रहे थे कोविड से। आप सभी को उनके व्यक्तित्व के बारे में पता होगा कि उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामी एक बीमारी थी और कई साल पहले ये बीमारी जब थी उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ते रहे। डॉक्टर को जब उन्होंने पहली बार दिखाया तब डॉक्टर ने कहा कि आप ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 71 साल तक अपने आप को इस जीवन के साथ संघर्षमय रखते हुए जीवन को एक नया आयाम देते हुए एक इतिहास रच दिया। वो वी के बंसल सर 15 दिन तक लगातार इस कोविड से लड़ते रहे, परंतु पहले से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से उनके जो लंग्स थे वो खराब थे, जिसकी वजह से कोविड की वजह से वो लंग्स रिकवर नहीं हो पाए और 2 मई सोमवार को, ठीक है, उन्हें इस तरह का एहसास होने लगा कि अब शायद कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकने की वजह से जो सुबह सोमवार की सुबह 3:30 पर उन्होंने इस जीवन को अलविदा किया और भगवान श्री के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। श्री बंसल सर मूलतः झांसी के रहने वाले थे और 1949 में उनका जन्म हुआ था और 2021 में, जैसा कि हम सभी को पता है, वो परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो गए। आज उनका नाम जो जीवन में लिया जाएगा वो हमेशा कोचिंग गुरु के नाम से लिया जाता है, भीष्म पिता के नाम से लिया जाता है, प्लस कोटा के अंदर जो भी आज आर्थिक रूप से हम सक्षम हुए हैं उन सभी का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। जेके एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें काम करने वाले व्यक्ति अपने आप में एक समर्थ व्यक्ति माने जाते थे और कोटा की इकोनॉमी को वो जेके हमेशा बनाए रखती थी। अचानक से उसका बंद हो जाना और उसके बाद पूरी कोटा की इकोनॉमी का कोचिंग इंडस्ट्री पर निर्भर हो जाना और निर्भर होने के साथ साथ उसे संभालना, इसका सारा श्रेय श्री वीके बंसल सर को जाता है। वीके बंसल सर ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका वॉल स्ट्रीट, द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल के अंदर फ्रंट पेज पर फोटो आया था। जी हाँ दोस्तों, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि वीके बंसल सर का वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर फ्रंट पेज पर फोटो आया था और उन्होंने ये कहा था कि ये व्यक्ति जिसने कोचिंग को इस नए आयाम पर प्रस्तुत किया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कुछ किस्से उनके याद आते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं पीके बंसल सर के कैबिन में बैठा था तब उन्होंने मुझे ये बात शेयर की थी कि जब अमेरिका से वो फोटोग्राफर आए तब उन्होंने जब देखा बंसल सर को और बंसल क्लासेस को, तो जो साइकिल खड़ी हुई देखी, तो उन साइकिल खड़ी हुई देखने के बाद उसने एक बात बोली कि इतने सारे टीनेजर्स एक साथ एक जगह कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो हमारे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस समय जब वो आए तो क्लास चल रही थी और क्लास इतनी डिसिप्लिन थी, इतनी वेल मैनेज थी कि एक आवाज़ भी नहीं थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इस तरह से इतने सारे टीनेजर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, जबकि मैं आपको बता दूं वहाँ सिर्फ वीके बंसल सर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट थे। सर जब गुजरते थे ना तो सर के आने के एहसास से ही अपने आप डिसिप्लिन मैनेज हो जाता था।
वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि विशाल तुम जो है इस तरह के व्यक्तित्व जिसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। कुछ किस्से हैं मेरे जीवन के जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को ये बातें बताई हैं पर आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये भी जीवंत रहें, ये किस्से जीवंत रहें, उनके और मेरे बीच में जो भी बातें हुई वो जीवंत रहें। तो वो हमेशा मुझे कहते थे, जब मैं इतनी मेहनत करता था तो वो कहते थे कि विशाल मुझे तुम में अपने आप को देखता हूँ जब मैं जब तुम्हारी उम्र का था। एक बार मुझे मिले और बोलते हैं कि तुम राहुल गांधी की तरह हो जिसे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं इसका मतलब। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो कई लोगों को कई साल लगते हैं इतना सब कुछ पाने में और तुम्हें बहुत जल्दी ये सब कुछ मिल रहा है, इसे संभाल के रखना। और ये बात ऐसी थी जिसने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। उनके ये कथन मेरे जीवन में इतने बड़े प्रेरणादायी वचन बने जिसकी वजह से मैंने उस चीज़ को संभाला और हर साल मेहनत करता रहा। मुझे एक बात ये समझ में आई कि जब कोई बच्चा नाइन्थ क्लास में अच्छी पढ़ाई करता है तो नाइन्थ में अच्छी रैंक आती है। अगर नाइन्थ में पढ़ने के बाद वो ये सोच ले कि वो इंटेलिजेंट है और वो टेंथ में भी फर्स्ट रैंक ला सकता है या अच्छी रैंक ला सकता है तो शायद ये उसकी गलत फहमी है। वो टेंथ में भी उसे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उसे नाइन्थ में की थी या हो सकता है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। क्यों? क्योंकि अब वो टेंथ में आ गया है तो वो जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद वो टेंथ में भी अच्छी रैंक ला पाएगा। ये बात मैं समझ पाया, इस वजह से मैंने हर साल अपनी मेहनत को अपनी नई तरीके से शुरुआत को अंजाम दिया। हर साल उतनी ही मेहनत या उससे यूं कहें कि ज़्यादा मेहनत करने की एक आदत मैंने बना ली। ठीक है, क्योंकि ये जो उनके वर्ड्स थे कि इसे संभाल के रखना, इसका मतलब शायद मैं समझ पाया कि ये अस्थाई रूप से आपको जो मिली गई वो अस्थाई रूप से सफलता को आप डाइजेस्ट कर सकें। एक बार की बात है, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और बोले कि ये लेटर लो। मैंने लेटर खोला, लेटर के अंदर लिखा था विजार्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सच बताऊं तो मुझे उस समय समझ में ही नहीं आया कि विजार्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहना चाहते हैं सर। तो मैं काफ़ी दिनों तक तो समझा नहीं, बट सर ने कहा तो नो डाउट अच्छा वर्ड ही होगा और बहुत अच्छी होगी, तारीफ ही की होगी उन्होंने। फिर एक दिन एक नई फैकल्टी आई बंसल क्लासेस में, तो उस समय उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। जब वो इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने बोला उस फैकल्टी से कि तुम मेजर ध्यानचंद को जानते हो? तो फैकल्टी ने कहा कि हाँ जानता हूँ, कि वो हॉकी के जादूगर थे। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया वीके बंसल सर ने कि ये इनऑर्गेनिक के जादूगर है, ये विजार्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो मेरे लिए वो शब्द अंदर से इतने प्रेरणादायी होते थे कि मैं कभी भी उन बातों को आज तक नहीं भूला। और वो इंसिडेंट भी मेरे साथ इतने ही जीवंत हैं, ऐसा लगता है जैसे आज ही उन्होंने ये शब्द मुझे कहे हों। इसी तरह से एक बार की बात है, जब मैं उनके घर गया तो पूजा बंसल मैम वहाँ पर थी। पूजा बंसल मैम बैठी हुई थी, वो जयपुर की डायरेक्टर थी बंसल क्लासेस की, और मैं कोटा में था तो मुझे नहीं जानती थी। तो बंसल सर ने जब पूछा कि तुम इन्हें जानती हो, तो पूजा मैम ने कहा कि नहीं। तब उन्होंने मेरा इंट्रो कराया कि ये विजार्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है विशाल जोशी। तो ये कुछ ऐसी बातें थी उनके और मेरे बीच की जो शायद किसी को पता नहीं थी, लेकिन आज मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ही कहना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो उनके द्वारा किए गए लोगों पर जो एहसान है अगर हम देखें, तो उन एहसानों और उन कार्यों की वजह से भी आज वो हमारे साथ हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। कोचिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हमेशा अपने साथ पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हे ईश्वर उनकी आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करे, और उन्होंने जो भी अपनी इच्छा की हो भगवान उस इच्छा को ज़रूर पूरा करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा वो हमारे साथ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से आज उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वो हमारे साथ है, और इस तरह से आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और इसी के साथ मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने द्वारा जो भी प्रयास हो सकता है वो करिएगा। धन्यवाद।